अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं पिको मास्टर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पिको मास्टर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुंडी वाली पिको करने का तरीकेकार बताऊंगा। अगर आपको कुंडी वाली पिको करना नहीं आती तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कुंडी वाली पिको करना आ जाएगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने कट वर्क पिको कैसे की जाती है उस पर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। आप वो वाली वीडियो जाकर देख लें, आप कट वर्क पिको कैसे की जाती है कंप्लीट सीख जाएंगे और कुंडी वाली पिको कैसे की जाती है इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, पूरा देखना है, मुकम्मल देखना है, मिस और स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स देने लगा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आपके अपने नोटिफिकेशन बेल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मशीन पर और आज कुछ नया सीख लेते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मशीन पर। ये मेरे पास कुंडी कट वर्क वाली मशीन है और इस पर मैंने चार धागे क्रोशिया पिको के अलग अलग कलर के लगा रखे हैं और इसमें हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ये साइड पर एक पांचवा धागा। ये सूत्र वाला हो सकता है या ये मेरे पास ये देख रहे हैं ये नलकी है, ये रजाई वाला धागा होता है, ये आपको मटेरियल शॉप से आसानी से मिल जाएगा। ये जिसके पास नलकी बटन काजू वाला वाली शॉप्स जो होती है ना, वहाँ से ये मिल जाएगा, हर बंदा इसको रखता है। तो ये मेरे पास नलकी वाला धागा ही है, तकरीबन 20 रुपए की एक नलकी आई है। तो ये थोड़ा सा ब्रीक होता है इसलिए ये मैं डबल इस्तेमाल करूँगा। आप सिंगल इस्तेमाल करना चाहें तो सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सूत्र वाला जो पिन्ना होता है, पिन्ना एक पिन्ने टाइप सा होता है, वो मिलता है शॉप से, हार्डवेयर वाली शॉप से, तो अगर आप वो इस्तेमाल करें तो वो आप सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टांके को ज़रा अच्छा और पायदार बनाना चाहते हैं तो आप डबल इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये सिंगल भी इस्तेमाल हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरे पास थोड़ा सा ब्रेक है इसलिए मैं आपको टांका ज़रा अच्छा बनाने के लिए इसको डबल इस्तेमाल करके दिखाऊँगा। और तो चलिए शुरू करते हैं कुंडी पिको। तो ये मैं सूत्र लगा देता हूँ, ये साइड पर एक लग गया और ये दो, ये मैंने साइड पर दो कील लगा रखे हैं स्टील के, तो उसमें से गुजार रहा हूँ। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, आप इकट्ठे भी गुजार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं अलग अलग गुजार देता हूँ, तो ये देखें ठीक है। और ये साइड पर ये जो एक दो शाखा लगा होता है इसमें से लाजमी गुजारना होता है, तो इसमें से थोड़ा सा टाइट रखना आपने, ये जो पांचवा धागा है ना इसको आपने थोड़ा सा टाइट रखना है, तभी आपके कुंडल बनेंगे। अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो हो सकता है कुंडल ना बने, बल्कि बनते ही नहीं, टाइट करना लाजमी होता है। तो जैसे ये देखें, टांका आपने कटवर्क वाला रखना है ठीक है, जैसे कटवर्क पिको का होता है टांका आपने सेम वही रखना है। मैं चला कर आपको दिखाता हूँ, मशीन को ऑन कर लेते हैं ठीक है। टांका आपने कटवर्क वाला रखना है ठीक है। तो अगर आपको इस मशीन में धागे कैसे डालते हैं उसके बारे में नहीं पता तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में देने की कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में तो मैं ज़रूर दूंगा। अगर आपको धागे डालने नहीं आते तो आप वो वीडियो देखें, आपको धागे कैसे डाले जाते हैं उसके बारे में मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। तो ऐसे आपने दो धागे इसके अंदर ऐड कर देने हैं ठीक है, ये ऐड कर दिए। अब बाज़ लोग यहाँ से गुजारते हैं, ऐसे यहाँ से भी गुजार सकते हैं, यहाँ से भी गुजार सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने गुजार देना है ठीक है। अब यहाँ से भी आपको आप गुजार सकते हैं, ये देखिए जैसे मैंने गुजारे हैं ठीक है। अगर हम यहाँ से गुजारना चाहें तो यहाँ से भी आप गुजार सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपने टाइट करना है बस, सही हो गया। तो जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपका टांका ठीक आए, आपने वहाँ से वैसे इसको गुजार लेना है। तो मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं यहाँ से गुजारता हूँ इसको ठीक है, जैसे मुझे अच्छा लगता है, जैसे आपको अगर अच्छा जैसे लगे मुनासिब लगे आपने वहाँ से इसको गुजार लेना है। तो मैं यहाँ से गुजारता हूँ इसको
और ये देखिए, इसका ये फ़ायदा है कि ये जब आप पिको करती हो तो ये ज़रा इस धागे को ज़रा अच्छे से आगे की तरफ पास करता है। अगर यहाँ से मैं गुजारूँ तो ये कभी कभी अटक जाता है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन जो कारीगर हैं वो तो ठीक चलाते हैं, जैसे जैसे मतलब किसी बंदे को अच्छा लगे वैसे चला लेते, कोई हर्ज नहीं कि आपने लाजमी इसी में से गुजारना है, यहाँ से नहीं गुजारना, जैसे आपको अच्छा लगे आपने गुजारना है। तो टाइट कैसे पता चलता है ये देखें, अगर ये यहाँ पर ये कुंडल बनना शुरू हो जाए यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका टाइट है, ये देखें। अगर आप इसको खोलते जाएंगे लूज़ करेंगे तो ये कुंडल नहीं बनेंगे, आप जैसे जैसे इसको टाइट करेंगे यहाँ ऐसे ना गोल गोल कुंडल बनाना शुरू कर देगा। तो ये देखें अपने हिसाब से टाइट यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ। तो आपने ले लेना है एक कपड़ा इस तरह का, कोई भी ले लें, मैं इस तरह का ले लेता हूँ, आप कोई भी ले लें, ठीक है। तो नेट एंड क्लीन पिको के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ओवरलॉक करें, ठीक है। ये इस तरह की कन्नी होती है अक्सर दुपट्टों पे, तो आपने कन्नी को उतार लेना लाजमी, वरना इस तरह के ये जो बाल हैं ना ये इसके अंदर आएंगे। कन्नी को आपने उतार लेना है, हर दुपट्टे की कन्नी उतारा करें पहले, क्योंकि कन्नी नहीं उतारेंगे तो उसमें वो ना सलवटें पड़ जाएंगी, तो कन्नी हर दुपट्टे की उतारें, ठीक है। ओवरलॉक हो तो ओवरलॉक लाजमी करें, नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन है ओवरलॉक कर सकते हैं तो बेहतर यही है, अगर सफाई और अच्छा पिको करना चाहते हैं तो ओवरलॉक लाजमी किया करें, ठीक है। तो ये देखें आपने वैसे ही ऐसे इसको कपड़े को पकड़ लेना है, कटवर्क पिको में जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल उसी तरह आपने इसको पकड़ लेना है, ठीक है। और आपने कपड़े को ऐसे रखना है, इसके अंदर आपने थलका सा इसको देना है, ये देखें मैं जैसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे नीचे से अंगूठा और ऐसे ऊपर से दो उंगलियाँ और ऐसे इसको नीचे इसके नीचे दे देना, ठीक है। जैसे कटवर्क में हम इसको घुमाते हैं ना कपड़े को ऐसे, ठीक है, वैसे ही आपने इसमें घुमाना है, ठीक है। फ़र्क इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि कटवर्क में हम जैसे अंदर की तरफ लेके आते हैं तो टांके को बाहर नहीं फेंकते, इस तरह इस पिको में आपने टांके को बाहर निकालना। ये देखें मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये देखें यह हमने ऐसे किया, ठीक है, ये बाहर ले आए, थोड़ा सा टांका आपने बाहर लेना है ऐसे, ठीक है, और फिर इसको अंदर की तरफ ले आना, ये देखें ऐसे, ये ऐसे, ये देखें, ठीक है, ऐसे आपने करनी है, ये देखें। स्पीड आपने स्लो रखनी है, स्पीड का मैं आपको बता दूं कि स्पीड आपने स्लो रखनी है इसकी, क्योंकि स्पीड आप स्लो रखोगे तो आपको करना आएगा। ये देखें ऐसे आपने बाहर निकालना है, और जैसे बाहर निकालो तो यहाँ पर जो इसका ये कोना है ना ये पिको वाला है, जहाँ से हमने बाहर निकाला है इस कोने में, वहाँ पर आपने दोबारा इसको लेके आना है और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ये देखें जैसे कि मैंने किया, यहाँ से बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद इस कोने पर लेके आए हैं, दोबारा वहाँ से ऐसे किया, फिर इस कोने पर लेके आए, फिर ऐसे किया, ठीक है। तो आपने ये जो कोना है ना इस कोने के ऊपर आपने इसको लगाना है दोबारा, ये नहीं कि अब आपने इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आपने इसको यहाँ पर लगा लेना ऐसे, ठीक है, ये देखें, ये नहीं आपने करना, ये देख रहे हैं ये फासला यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये फासला, ये आपने नहीं छोड़ना है, ये देखें, ठीक है, इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। तो ये जो खला है ना यहाँ ये बीच में, ये आपने नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे पकड़ना है आपने दुपट्टे को, ठीक है, ऐसे, ये उंगल ये जो है ना ये हाथ, ये बहुत ज़रूरी है, ये इसका बहुत मेन काम है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ये देखें, ठीक है, बाहर निकाला और कोने में फिर लगाया टांका और ऐसे, ठीक है, तो ये देखें ऐसे, तो ये तरीका कर, ठीक है, समझ आई आपको। तो ये तरीकेकार है इसका, वीर में अभी आपको गौर करके दिखाता हूँ, आपने सिर्फ मेरे हाथों पर गौर करना है, हाथों पर आपने गौर करना है मेरे, कि मैं हाथ चलाता है कैसे, मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको करके दिखाता हूँ। तो आपने मेरे हाथों पर गौर करना है कि मैं कैसे हाथ अपने चलाता हूँ और पिको कैसे करता हूँ, तो आपने सेम उसी तरह ट्राई करना, स्पीड आपने स्लो रखनी, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। तो चलिए ये देखते हैं, तो ये धागा टूट गया,
अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारी मशीन का धागा टूट जाता है या टूट जाता है, कोई मसला नहीं, हमारी मशीनों के भी टूट जाते हैं। तो अगर ज़्यादा टूट जाए तो उसका एक प्रॉब्लम होता है, अभी कभी कभार एक बार आध बार टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, मैंने बताया वो आपको, ऑयल लगाया करें, ऑयल लगा कर चलाएँ, धागा जो टूटना है ये कम हो जाता है, सही है ना। ऑयल आप लाजमी लगाया करें। तो जैसे अब मेरा टूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं यार, टूट जाता है काम के दौरान, ये देखें, क्योंकि अभी मैंने इसकी ना निडल प्लेट जो है ना वो नहीं लगाई है, तो थोड़ा सा मसला कर रही है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल नहीं लगाई है ना, तो पहले वाली टूट गई, तो ये मैंने नहीं लगाई है, तो ये अभी थोड़ी सी रवा नहीं हुई, क्योंकि जब भी निडल प्लेट लगाएंगे ना तो वो 4-5 दुपट्टे करोगे तभी वो अपने उस दोबारा वर्किंग में आएगी, तो नहीं लगाएंगे तो मसला करेगी। देखिए ना थोड़ा सा मसला आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, नहीं लगाई ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, वादा किया हुआ था आपसे, तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं। थोड़ा सा टांका ठीक नहीं आ रहा, जी। तो दोस्तों ये देखें, ठीक है, ये होगी कुंडी वाली पीको। तो दोस्तों ये तरीक़ेकार इसका, ठीक है, आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये देखें, बैक से बैक पर टांका देखें और फ्रंट पर टांका देखें, ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत टांका इसका आया है। हालांकि निडल प्लेट अभी नहीं लगाई है, इसलिए थोड़ा सा हारा इशू मतलब आएगा, तो ये कारीगर बंदा ही जज करेगा और आम बंदे को तो नहीं पता चलता। खैर, तो दोस्तों ये तरीक़ेकार है इसका कुंडी वाले पीको करने का। तो मैं अभी आपको एक साइड और करके दिखाता हूँ, मैं पहले इसको उतार लेता हूँ, तो स्पीड के साथ उसको करूँगा, तो आपने उसको भी देखना गौर से एक बार फिर, तो आप मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा कि आप कुंडी वाली पीको कैसे कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर कभी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।